नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भक्ति महिमा चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सूरज छठ व्रत कथा। इस कथा के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। प्राय प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष में सप्तमी युक्त पष्टी को भगवान सूर्य का व्रत किया जाता है, इसलिए महीने के अधिपति का रूप और नाम में परिवर्तन होता है। सप्तमी युक्त भाद्रपद शुक्ला पष्टी को गंगा स्नान, जप तथा व्रत करने से अक्षते पुण्य पुत्र प्राप्त होता है। उस दिन सूर्य पूजन, गंगा दर्शन तथा पंचगव्य प्राशन का विशेष महत्व है। इस व्रत की पूजन सामग्री में लाल पुष्प, गुलाल, दीप तथा लाल वस्त्र का विशेष महत्व होता है। सूर्य भगवान की आराधना करने से नेत्र रोग तथा कोढ़ दूर हो जाते हैं। सूर्य का दिन रविवार होता है, तो इस दिन भूल कर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए जो भी इस व्रत को करते हैं। दिन में थोड़ी देर सूर्य रहने पर केवल एक अन्न का भोजन करना चाहिए। सूर्य को नित्य प्रातः तथा साय अधर्य देना चाहिए। पलके बंद करके सूर्य की ओर देखना नेत्रों के लिए हितकर है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं इस पूजन की विधि के बारे में। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, सूर्य पष्टी के व्रत का विधान कहिए, जिन मंत्रों से पूजन किया जाता है वह भी कहिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे कि हे महर्षि सुनिए, जिसके श्रवण करने से ही अभीष्ट फल सिद्धि को प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पष्टी अर्थात सूरज छठ धर्म, अर्थ और काम को देने वाली है, इसलिए सभी को उस दिन का व्रत करना चाहिए। सभी पुरुषों और स्त्रियों को यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। आंख, कान, मन आदि इंद्रियों को अपने वश में रखकर दिन के चौथे प्रहर स्नान करें। नदी, तालाब या घर पर ही अपनी सुविधा पूर्वक स्नान कर ले, फिर लाल चंदन तथा केशर से सूर्य नारायण की प्रतिमा बनाके सुंदर पौराणिक तथा वैदिक मंत्रों से गंध, पुष्प और अक्षतों से उस मूर्ति में भगवान भास्कर का आवाहन करें और भक्ति से एकाग्र मन होकर सूर्य की पूजा करें। मित्र नामक सूर्य को नमस्कार है, वरुण, भास्कर, महात्मा, एक चक्र और धर्म के कारण सूर्य को नमस्कार है। धृत सहित अपराहन में अधर्य देवे, धृत सहित नैवेद्य और चार प्रकार का सीधा देने चाहिए। प्रातः काल में और संध्या समय में श्री सूर्य भगवान का पूजन करें। तब विद्वान ब्राह्मण को सुवर्ण को दक्षिणा देवे। ब्राह्मण के मुख से दत्त चित्त होकर सूरज छठ की मनोहर कथा को सुने। इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से पुत्र और पौत्र की वृद्धि होती है। इसके पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आइए आपको बताता हूं इस व्रत का उद्यापन करने की विधि। ऋषि कहने लगे कि हे सूर्यदेव, अब इस पष्टी व्रत के उद्यापन की विधि कही है, क्योंकि आप सब विधि से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। तब सूर्य भगवान कहने लगे कि हे नाद, उद्यापन की विधि सुनिए। सात कलश जल से भरकर सात जनेऊ सूत के घी और चीनी में परिपक्व सात लड्डुओं को रेशम के वस्त्र से ढांप कर दक्षिणा सहित रख दे। यथाशक्ति सौभाग्यवर्धक भगवान भास्कर सूर्य की सोने की प्रतिमा बनाए। जितना धन हो यथाशक्ति वस्त्र, आभूषण, पात्र आदि ब्राह्मण को दे। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ समर्पण करके भगवान सूर्य का पूजन करें। इस प्रकार से भक्ति भाव सहित पूजन करके उद्यापन का समापन करें। तो भक्त जनों, अभी हम प्रारंभ करते हैं सूरज भगवान की व्रत कथा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन समय में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वो धर्म, कर्म तथा देवताओं का एक विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मल मूत्र त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जाती रही। तब अपने आप से
अत्यंत दुखी होकर वह एक दिन अपने आततायी जीवन से ऊबकर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का निश्चय कर घर से चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषि राज नारद जी मिले और पूछा, कहिए सेठ, कहां जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? नारद जी की प्रेम भरी वाणी सुनकर उससे प्रभावित होकर तथा अपने से अपने ही मन अति दुखी वह अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो उसने अपने प्राण त्याग करने का इरादा बतलाया। मुनि दया से गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग मत कर, भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तू कार्तिक मास की सूर्य पष्टी का व्रत रख, तेरा दुख दरिद्र मिट जाएगा। तब नारद जी ने जैसा बताया वणिक ने वैसा ही किया, तो सूरज छटके व्रत के प्रभाव से वह पुनः सुख समृद्धि पूर्ण जीवित हो गया। कार्तिक मास की शुक्ला पष्टी को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती हैं। चर्म रोग और आंख की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। पूजन तथा अधर्य दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखनी चाहिए। पूजन में फल पकवान मिष्ठान आदि का महत्व है। तो भक्तजनों, ये थी सूरज भगवान की व्रत कथा। तो आइए हम इस व्रत कथा की आरती के साथ इस व्रत कथा का समापन करते हैं। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, रजनीपति पद हारी शत दल जीवन दाता, जय 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 रवि देव, शत पद मन मुदकारी हे दिन मणि दाता, जग के हे रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, नभ मंडल के वासी ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हित सुख राशि तेरी हम सब करें सेवा, जय 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 रवि देव, कहते हैं रवि देव, जय 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 रवि देव, कनक बदन मन मोहित रुधिर प्रभा प्यारी, जय 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 रवि देव, निज मंडल से मंडित अजर अमर छवि धारी, हे सुरवर रवि देव, हे सुरवर रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, बोलो भगवान सूर्य की जय। तो भक्त जनों, आपने सुनी भगवान सूर्य की व्रत कथा। तो इसी तरह की कथाओं के बारे में जानने के लिए, पूजा विधि के बारे में जानने के लिए देखते रहिए अपना चैनल भक्ति महिमा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं फिर मिलूंगा एक और पूजा विधि के साथ।